इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी सागर, मध्य प्रदेश। तो अरहंत का मिला दो, अशरीरी का मिला दो, तो दो आ मिलकर के क्या बन गए? एक बड़ा, है ना। और आचार्यों का एक बड़ा और मिला दो, तो बड़े आ में एक बड़ा आ मिल गया, तो कहता भैया एक ही आ में काम हो जाएगा, अब दूसरे आ की जरूरत नहीं है। एक अपने आप लोक को प्राप्त हो जाता है। फिर उपाध्याय का क्या मिला? ओ, है ना, तो बन गया ओ। और साधु को अपन क्या बोलते हैं? मुनि, मुनि बोलते हैं। तो मुनि का मां, तो क्या बन गया? ओ। अशरीरी का आ, अरहंत का आ, तो बड़ा। फिर आचार्य का आ, तो एक आ का लो। उपाध्याय का उ, और साधु का मुनि को मां, ऐसा बन गया ओम। अर्थात जो ऐसे शांत रस के रसक है, संयम रत धीमान है, उनको ओम बना देता है, अर्थात पंच परमेष्टि की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देता। कौन? शांत रस। ऐसा शांत रस का स्वभाव है। जहां तक, अब आगे बढ़ते हैं, जहां तक शांत रस की बात है, वह आत्मसात करने की ही है। किसकी है? आत्मसात करने की ही है। कम शब्दों में निषेध मुख से कहो, सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। सब रतों का अंत होना ही शांत रस है। यो गुनगुनाता रहता संत का भी अंत प्रांत, वह धन्य है। जो ऐसा संत होता है जिसका अंत प्रांत, अंत प्रांत करते अंतकरण, जिसका अंत जगत हमेशा शांत रस में भरा पड़ा रहता है, शांत रस में ही जिनका जीवन बना रहता है, ऐसे वे संत गण हैं। इनके लिए तो सारे रसों का अंत कर दिया। आज अपन ने यहां तक कौन कौन से रस हो गए? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, और फिर उसके बाद में विवस भी है, और घृणा भी, हाँ घृणा उसी को विवस्य रस आदि है। ऐसे एक नहीं, 10 रसों का कथन किया, और अंत में ये कौन सा रस आ गया? शांत। सारे रसों का अंत जिसमें हो उसका नाम शांत रस है। अब क्या चाहिए? आप सबसे कहते हो भैया तुम ऐसा क्यों करो? अरे शांति चाहिए भैया हमें तो। तो वहां क्यों जा रहे हैं? हम शांति से बैठेंगे। हर कोई व्यक्ति यही कहता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे शांति से जीवन जीना है तो जो तो करना ही पड़ेगा। जरूरत क्या है भैया? तेरे पास खूब है, जितनी आवश्यकता है आराम से शांति से जी। हाँ बहुत अच्छा। एक और है, सर्विस वाले जितने होते ना 60-65 साल में सब क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड। बोले कि ये रिटायर्ड का अर्थ क्या होता है? रिटायर्ड का अर्थ है भाई तुमने बहुत कर लिया, है ना, अब करने के दिन नहीं रहे तुम्हारे, अब तुम्हें करना क्या है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस शांति से बैठना।
मुझे याद है जब हमारी छल्लक दीक्षा हुई 96 में तारंगा में, है ना, तो आचार्य जी के पास बैठे आचार्य जी, अभी तक हम लोग सामायिक में तो ऐसी माला फिले दे कर लेते, अब सामायिक में क्या करना है आप बता दो हमें, सामायिक में और क्या करना है। तो आचार्य जी पड़े ऊपर से नीचे तक अच्छे देखे, हम सब लोग बैठे थे 6-7 छल्लक जी वगैरह, नहीं नहीं महाराज सब बैठे, आचार्य से पूछे सामायिक में और हम लोगों को क्या क्या करना है। तो आचार्य ने अच्छा सामायिक में क्या क्या करना है ऐसा दोहराया, फिर कहते हैं सुनो सामायिक में कुछ नहीं करना ही सामायिक है। अब आप समझे महाराज, नहीं समझे मतलब मन को बिल्कुल शांत बैठा देना, कुछ सोचना नहीं कि मुझे जो करना है मुझे ये करना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना। क्या करना है अभी तो मुझे सामायिक करना, अर्थात सामायिक करना अर्थात कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत बैठ जाना। और थोड़ा अगर मन थोड़े इधर उधर फिर कहने लगे नवोरी हंताड़म, अंतर अंतर धीरे धीरे चिल्ला के नहीं, आराम से शांत थोड़े थोड़े, जब शांत बैठने में थोड़े लगे कि अब मन बाहर की ओर आया तो नवो हरिहंताड़म बस और कुछ नहीं। जितना जितना तुम शांति से बैठ जाओगे शांति तुम्हारे पास आएगी, और जितना जितना उथल पुथल बचाओगे इधर उधर भागोगे तुम्हारी अशांति तुम्हारे पास। अब आप लोग आके कहते महाराज हमें सामायिक में बता दो क्या करना है, सामायिक कैसी करना है। भैया सामायिक का अर्थ सम सामायिकम, ये कहा मात्र एकाकी होकर के अपने आप के हो जाने का नाम सामायिक है। शांत रस के उस परम आनंद की चरम अनुभूति का रस लेने का नाम सामायिक है। बाकी बातें तो करना बहुत आसान बातें हैं, यही है जीवन का आनंद। बस आज शांत रस की बात यहां पर कुछ नहीं, बस सबका अंत निषेध मुख से कहो तो सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। गुनगुनाता रहता है संत का वह अंत है प्रांत, अंतरंग जगत शांत रस को धन्य है। इस प्रकार शांत रसों के साथ आज रसों का कथन यहाँ पर पूरा किया गया है। अब आता है, क्योंकि प्रसंग चल रहा था माटी को, बीच बीच में रसों की ध्वनि निकली थी ये। अब आपको पुनः याद रिवीर कहाँ काम क्या चल रहा था, तो माटी को रौंदने का काम चल रहा था। जब माटी के रौंदने का काम हुआ तो वहां से नए आवाज आई, जे आवाज आई थी तो तरह तरह की आवाज इन रसों के रूप में परिवर्तित होकर के आई। संत में सबसे बड़ी आवाज सारे रसों का अंत शांत रस, वास उस रसों का वर्णन यहाँ पर अब आता है। रस राज रस पाक शांत रस की उपाय देता है, पर रसराज, रसराज किसे कहते बताओ, आचार्य जी कहते सारे रसों का राज अगर कोई है तो उसका नाम रसराज। लोग नमक कैसा समझते हैं, अगर आपको ये बात अलग है, जिनके इस नमक का त्याग है उनकी बात अलग है, है ना, लेकिन जिनका नस नमक का त्याग नहीं है उनसे पूछो कि बिना नमक के भोजन तुम्हें कैसा लगता है, तो लोग कहते हैं महाराज बिना नमक के तो भोजन का कोई रस नहीं आता, इसलिए रस राज उसको क्या कहा, सारे रसों का राजा हो, रस पाक रस राज और रस पाक, यानी भोजन में भी अच्छा रस पका दे बना दे,
शांत रस की उपा देता। पर जब व्यक्ति को अगर अच्छा भोजन स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो अच्छे आंख बंद करके बिल्कुल खाना मजा स्वाद लेता है। अरे रुको बोलो मत। एक और है, भोजन हमेशा मन पूर्वक करना चाहिए। अपने यहां ये कहा हमेशा, यहां पर मौन रखना चाहिए, क्योंकि मौन रखने से आपको उस भोजन के रस का आनंद आ सकता है। और कई लोगों की आदत है कभी बोले या ना बोले, जैसे भोजन करेंगे तो फिर अधिक बोलते हैं, बोलने वाले को भोजन का आनंद नहीं आता। क्या कह रहा है, खा तो रहे हैं, जल्दी लगे हैं काम में, नहीं। काम करते समय एक काम और कर लेना चाहिए कि जिस समय हम भोजन करते हैं उस समय कोई काम नहीं करना चाहिए। एक ही काम है, भोजन आपके पूरे के पूरे शरीर का संचालन का आधार होता है। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था कि उन्होंने लिखा कि महिलाओं को पुरुषों को घुटने की बीमारी क्यों हो रही है, घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है। तो उन्होंने एक उसका समाधान दिया, पानी कभी भी देखो ऐसे करके जो आजकल बाटलों से पीते हो ना तुम लोग, ये पानी पीने का रूप नहीं है। खड़े होकर के पानी पीना अनेक प्रकार की बीमारी का आमंत्रण का कारण बताया उसने। बैठ करके पानी पीना, खड़े खड़े पानी पीने से उन्होंने लिखा इसमें घुटने की बीमारी का आमंत्रण है। दूसरा उन्होंने लिखा कि अगर कदाचित अपन जो ऐसे ऊपर से पटक के पानी पीते ना, सिप लेकर के पानी पीना, मुंह में भर करके पानी नहीं पीना, आप अगर गिलास से कटोरी से पानी पियोगे तो आपके कभी भी वह पानी औषधि का काम करेगा, औषधि का काम करता है। आपको पुरानी परंपरा याद करना, जब तुम कभी बाहर से आते थे तो हमारे घर वाले जो भी हो मुल्क के पानी ले आते, उन्होंने पहले क्या रखते थे, एक लोटा आते थे और एक या तो उसके ऊपर कटोरी, और नहीं है तो बर्फ धीरे धीरे पहले पुराने भी पीतल के बर्तन समाप्त होते लगे, अब आ गए तुम स्टील के जमाने में तो फिर जागा, और फिर बाद में गिलास आ गया। सबसे पहले पुराने अगर आप देखेंगे प्राचीन, जब तक स्टील के बर्तन नहीं चले तब तक लोग गड़ाई और लोटा जैसे कहो, लोग बुंदेलखंड में अपन करके देते थे गड़ाई बिलिया, है ना, उसको बिलिया कहते थे ना, कटोरी को तो वो ला करके रख देते थे, उसमें आराम से पीते थे धीरे से हाथ में लेकर के, और वो पानी उसको स्वास्थ्य का कारण होता था, अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाला होता था। आज वो काम हो रहा है कि हम वो खाना पीना सही ढंग से नहीं करते हैं। और यही है कि आज हमारे खाने पीने का तरीका बदल गया, हमने खाने पीने के ढंग को बदल दिया, उसी का परिणाम है कि वो खाना पीना आपको अनेक प्रकार की बीमारी और अनेक प्रकार के तरह तरह के कष्टों का कारण बन गया है, सुख का कारण नहीं बन रहा है। किसका कारण बन रहा है, अब क्या करें महाराज, हम तो बहुत सबसे ज्यादा, अरे आपको एक इसका इतिहास मैंने पढ़ा कि एल्युमिनियम के बर्तन की शुरुआत कहां से हुई। इससे पहले आप अपने भारत के उठा करके देखो, इससे पहले जब तक गुलाम भारत नहीं था उसके पहले एल्युमिनियम नाम के कोई बर्तन होते ही नहीं थे, प्लास्टिक नाम के कोई बर्तन आदि होते ही नहीं थे, होते थे तो काहे के पीतल के होंगे,
तांबे के होंगे, कांसे के होंगे, चांदी के होंगे, सोने के भी होंगे, और अगर कढ़ैया वगैरह लोहे के बर्तन का तो कहा एल्युमिनियम नाम की कोई चीज होती नहीं, ये सबसे ज्यादा हो। तो ये कहां से? तो उन्होंने लिखा कि ये अंग्रेजों की देन है। उन्होंने कहा ये भारतीय बहुत मजबूत होते हैं, रिसर्च किया गया, इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, स्टेमिना इनकी बहुत अच्छी होती है, इनकी स्टेमिना को कैसे कम किया जाए शारीरिक शक्ति को। तो उन्होंने रिसर्च करके कहा ये धातु एक बनाया और उससे एलुम ऑक्साइड से इसको निकाल करके धातु बनाई गई, और बना करके रिसर्च किया ये धातु सबसे जल्दी गर्म होने वाली है, पर ये आपके शरीर में घुलेगी और अनेक प्रकार की बीमारियों को पैदा करने वाली होगी। आज हम फटाफट के जमाने में आ गए, बिल्कुल 2 मिनट में जी बन करके तैयार, कुकर जो है आपको ना जाने कितने प्रकार की बीमारियों को देने वाला है। उसमें लिखा है सॉलिड धीरे 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 स्लो पॉइजन, आप भोजन के माध्यम से अपने पास ले रहे हो। ब्लड कैंसर का कारण बताया इसको, ये आपके लिए इस प्रकार के बर्तनों में बना हुआ भोजन ब्लड कैंसर का कारण है। हम संपन्न तो बहुत हो गए हैं पर सावधान आज तक नहीं हुए, शरीर के क्षेत्र में सजग नहीं हुए। देखा सीखी के जमाने में हम बहुत चले गए, विज्ञापन के जमाने में बहुत चले गए। जो अग्नि से पका हुआ है सही तो वही है, बिना अग्नि से पका हुआ आज जो आग है वह ये जो इस प्रकार के अभी पकी हुई है जो आजकल हो रही है वह भी बहुत नुकसान दे, उतना लाभ ना हो करके उससे हानि ही हो रही है। तो आज हमें इस बात को शांत रस को बहुत अच्छे से सुनना है और शांत रस के बारे में बात करना है। तो शांत रस को अभी रसराज की बात, रसपाक शांत रस की उपादेयता का बल देती हुई पूरी होती है, इधर माटी की रोदन क्रिया पुनः प्रारंभ होगी, चलेंगे। एक कहावत है, दो प्रकार के जानवर होते हैं, उसमें से एक गधे को देखा है और एक घोड़े को देखा होगा, है ना? गधा और घोड़े में अंतर क्या होता मालूम? गधे का जीवन बेलगाम, उसको कोई लगाम नहीं होती, पर घोड़े में क्या होती है? लगाम होती है। हम जीवन को क्या गधे की तरह जी रहे हैं कि घोड़े की तरह जी रहे हैं? लगाम अगर हमारे पास है तो समझ लेना आपके पास जीने का तरीका है, और बेलगाम है तो समझ लेना कि अभी तुम्हारे पास जीने का तरीका नहीं है। इसलिए गधे की जिंदगी नहीं घोड़ा बनाओ, मन को गधा तरह नहीं होना चाहिए, मन को कैसा होना चाहिए? बिल्कुल अंकुश में होना चाहिए, निरंकुश नहीं होना चाहिए। आगे की बात अपन करेंगे बाद में, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी सागर, मध्य प्रदेश।